कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1932 का टाइम दिखाया जाता है। वहां पर हमें एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि मैकाबे की कहानियों की वजह से बहुत प्रसिद्ध होता है और ये न्यूयॉर्क में एक बुक पर रिसर्च करने के लिए यहां पर आया होता है जिसको माइक्रोनॉमिकन कहा जाता है, यानी कि इसे मुर्दों की बुक कहा जाता है। और इस किताब को न्यूयॉर्क की एक लाइब्रेरी में छिपा कर रखा गया है और उसकी देखभाल दो मोंक के हाथों में सौंप दिया गया है। इसके बाद हम राइटर को उसी लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर वो राइटर उस लाइब्रेरी के मोंक को एक किताब को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद मोंक उसकी बुक को ढूंढने लगता है और इसी बीच वो राइटर मोंक की जेब में से उसकी चाबी निकाल लेता है जहाँ नेक्रोनॉमिकन बुक को रखा गया है। और यहाँ पर मोंक के जाने के बाद वो उसके रूम में जाने लगता है जहाँ पर उस खतरनाक किताब को रखा गया था। तब वहाँ अंदर रूम में जाने के बाद उसे एक तिजोरी दिखाई देती है। यहाँ पर वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ये राइटर इस तिजोरी को खोल नहीं पाता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि वो तिजोरी अपने आप खुल जाती है, जिसके बाद वो राइटर उस किताब को तिजोरी से बाहर निकाल लेता है और वो देखता है कि उस किताब के ऊपर कुछ क्रिएचर्स भी बने होते हैं। दरअसल यहाँ पर नेक्रोनॉमिकन नाम की किताब में यूनिवर्स के बहुत सारे रहस्यों को छुपा कर रखा गया है। अब हम देखते हैं कि राइटर उस किताब को पढ़ने के लिए बैठ जाता है लेकिन इसी दौरान हमें उस तिजोरी में एक साइन को भी दिखाया जाता है। इसके बाद राइटर उस किताब की पहली कहानी को पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें फ्यूचर की कुछ टाइम आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें रियर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल के मर जाने के बाद उनके होटल को संभालने के लिए उनके होटल पर आया है और इसके साथ में एक लॉयर भी होती है। इसके बाद रियर होटल के एक रूम में जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक तस्वीर दिखाई देती है और यहाँ पर वो लॉयर उन्हें बताती है कि ये तस्वीर तुम्हारे अंकल की वाइफ की है जिसकी एक शिप के डूब जाने की वजह से उसके और उसके बेटे की भी मौत हो गई थी और ये बात तुम्हारे अंकल भी सह नहीं पाए जिसके बाद वो इस होटल की बालकनी से कूद कर अपनी जान दे दी। और ऐसा सुनने के बाद रियर को बहुत दुख होता है जिसके बाद वो भी अपनी वाइफ को याद करने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लॉयर रियर को एक लिफाफा देकर जाती है जिसको उसके अंकल ने मरने के बाद उसे देने को कहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रियर अब उस लिफाफे को खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें उसके अंकल लिखते हैं कि जब उनकी शिप रात में डूबी थी तो उनके शिप में एक खतरनाक तरीके का क्रिएचर आ गया था जिसने उसकी वाइफ और बेटे को मार डाला था। तब उनको वापस से जिंदा करने के लिए उसके अंकल ने नेक्रोनॉमिकन नाम की बुक का इस्तेमाल किया और उसके कुछ मंत्रों को पढ़कर किसी खास तरह का रिचुअल किया जिसके बाद उसकी वाइफ और बेटी एक मॉन्स्टर के रूप में जिंदा हो जाते हैं और उनके मुंह से कुछ टेंटिकल्स भी बाहर आ रहे थे। तब रियर के अंकल को लगा कि शायद उन्होंने किसी मुसीबत को जन्म दे दिया है, इसीलिए उसके अंकल ने भी बालकनी से कूदकर खुद की जान दे दी। इसके बाद रियर उस लेटर के दूसरे पेज को नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसका पेज पुराने हो जाने की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, इसलिए वो उस किताब को ढूंढने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो बुक उसे कहीं भी नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम वो सो रहा होता है तभी उसके सर के पास कुछ टेंटिकल्स आते हैं और वो उसे बताने लगते हैं कि आखिर वो किताब कहाँ पर छुपाई गई है। और ऐसा सुनने के बाद रियर उस पेंटिंग के पास जाता है, तब उसे वहां पर नेक्रोनॉमिकन बुक मिल जाती है। यहाँ पर ये इस बुक को इसलिए ढूंढ रहा होता है ताकि वो भी अपनी वाइफ को फिर से जिंदा कर सके और यहाँ पर ये इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करता कि उसके अंकल के साथ क्या हुआ था। और यहाँ पर ये अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए फिर से रिचुअल करना शुरू कर देता है जिसके कुछ देर बाद ही उसकी वाइफ जिंदा होकर फिर से उसके पास आ जाती है। लेकिन यहाँ क्या, इसकी वाइफ भी तो एक मॉन्स्टर बन चुकी होती है, इसलिए वो हरियर पर अटैक करने की काफी कोशिश करती है लेकिन हरियर उसके ऊपर एक तलवार से अटैक कर देता है और यहाँ पर वो अपनी जान बचा लेता है। और ऐसा देखने के बाद उसकी वाइफ गुस्से में आ जाती है जिसके बाद वो एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर में बदल जाती है और अब रियर को मारने की काफी कोशिश करती है। तभी रियर उस पर झूमर गिरा देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर घायल हो जाती है और रियर किसी भी तरीके से होटल के शीशे को तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है। यहां पर रियर को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर सूरज की रोशनी से बहुत डरता है, इसीलिए वो सूरज की रोशनी में किसी पर अटैक नहीं कर सकते। अब इसके बाद हमें ये कहानी फिर वहीं पर लेकर जाती है जहां पर एक राइटर इस बुक को पढ़ रहा होता है और यहां पर उसने इस बुक का पहला चैप्टर पढ़ लिया था और अब वो दूसरे पार्ट को पढ़ना शुरू करने वाला था। तभी उसके हाथ से लाइब्रेरी की चाबी उसके नीचे वाली गुफा में गिर जाती है लेकिन यहाँ पर राइटर उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता और यहाँ इस बुक के दूसरे पार्ट को पढ़ने लगता है जिसकी कहानी बोस्टन सिटी से शुरू होती है। और यहाँ पर हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहीं पर आ गया होता है और वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक लेडी मिलती है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है और यहाँ पर वो इस अपार्टमेंट में हो रही मौतों की जानकारी के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद वो अपार्टमेंट के अंदर आने के बाद देखता है कि अपार्टमेंट के अंदर तो बहुत ज्यादा ठंड है, जिसके बारे में वो उस लेडी से पूछने लगता है। जहाँ पर वो लेडी बताती है कि उसे किसी खास तरह की बीमारी है और वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट को हमेशा ठंडा रखती है। जिसके बाद वो रिपोर्टर उस लेडी से पूछता है कि 80 साल पहले इस अपार्टमेंट में एक डॉक्टर भी रहा करता था, हालांकि उसकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन इस बात को आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है। अब ऐसा सुनने के बाद वो लेडी रिपोर्टर को
अपनी माँ एमली की कहानी सुनाती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरी माँ बिल्कुल मेरी तरह से दिखाई देती थी। उन्होंने 80 साल पहले इस अपार्टमेंट में एक रूम रेंट पर लिया था और उनके ऊपर वाले रूम में ही डॉक्टर रहता था, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब चीजों पर रिसर्च करता रहता था, और एमली के स्टेप फादर अक्सर उस पर अत्याचार किया करते थे। तभी एक दिन उसका स्टेप फादर उसके पास आया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसी टाइम वो डॉक्टर अपने रूम से बाहर आता है और वहां पर एमली को बचाते हुए उसके स्टेप फादर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एमली वहीं पर बेहोश हो गई थी और उसका स्टेप फादर वहां से भाग निकल गया। तब वो डॉक्टर एमली के पास जाकर उसे होश मिलाता है और उसके साथ साथ उसे खाने के लिए कुछ दवाइयां भी देता है। अब रात के टाइम जब एमली सो रही होती है तो वो देखती है कि वो जिस रूम में सो रही वहां छत से खून टपक रहा है। तब एमली उसको चेक करने के लिए डॉक्टर के रूम तक जाती है। तब वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि वो डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट उसके स्टेप फादर की बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और ऐसा देखते ही एमली वहीं पर फिर से बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा वहम है, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि अगले दिन एमली वेटर के जॉब के लिए एक होटल में जाती है और यहाँ पर वो बताती है कि वो उस डॉक्टर के साथ उस अपार्टमेंट में रहती है, और ऐसा सुनने के बाद वो होटल का ऑनर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तो लगा था उस डॉक्टर की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसकी उम्र एक सदी से भी ज्यादा हो चुकी है। तब यहाँ पर एमली को लगता है कि शायद वो होटल का ऑनर उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी वो अपने स्टेप फादर के मिसिंग होने की खबर भी देती है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद एमली सीधा डॉक्टर के पास जाती है और यहाँ पर वो डॉक्टर से पूछने लगती है तुमने उस दिन मेरे स्टेप फादर के साथ क्या किया था। तब यहाँ पर वो डॉक्टर बताता है कि मैंने तुम्हारे स्टेप फादर को मार डाला था, क्योंकि जो उसने तुम्हारे साथ किया था तो उसके साथ भी वही करना चाहिए। तभी इसी बीच यहाँ पर डॉक्टर की भी हालत बिगड़ने लगती है और यहाँ पर वो एमली से खुद को बर्फ में ढकने के लिए कहता है, जिसके बाद एमली उसे एक इंजेक्शन लगाती है और उसको बर्फ से ढककर उसका ट्रीटमेंट करती है, और कुछ देर बाद वो डॉक्टर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो एमली को सारी बात बता देता है कि वो धूप और गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो उस खतरनाक किताब का यूज करके खुद को अमर करना चाहता है। वो जितने ही टाइम तक धूप से छिप कर रहेगा उतने ही लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि एमली यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, लेकिन तभी मकान की ओनर उसके साथ ऐसा करते हुए देख लेती है और यहाँ पर वो एमली पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो भी डॉक्टर को लाइक करती थी। यहाँ पर वो एमली से कहती है कि अगर तुम सच में डॉक्टर से प्यार करती हो तो तुम्हें खुद को मारना होगा, और अगर तुम खुद को नहीं मार सकती तो तुम वो हो ही नहीं सकती जिसकी तलाश डॉक्टर को है। और ऐसा सुनने के बाद अब एमली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर और ये लेडी ही लोगों को मार रहे हैं और उनकी रीढ़ की हड्डियों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और उन्हीं की वजह से डॉक्टर आज भी जिंदा है। तब एमली उसी टाइम उस अपार्टमेंट को छोड़ने के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर से प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर को इसके बारे में बताने के लिए जाती है। जहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि वो डॉक्टर एक और आदमी की स्पाइनल निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी यहां पर एमली उस आदमी को बचाने की कोशिश करने लगती है। तभी वो लेडी ऑनर उस आदमी पर चाकू से अटैक कर देती है और यहां पर वो डॉक्टर से कहती है कि एमली हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी है, इसीलिए तुम्हें अब एमली को मार देना चाहिए, लेकिन यहां पर वो डॉक्टर एमली को मारने से मना कर देता है और गुस्से में आकर सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से उसकी लैब में आग लग जाती है और यहाँ पर ये डॉक्टर एक मोमबत्ती की तरह पिघलने लगता है। तभी इतने में डॉक्टर की असिस्टेंट एमली पर एक गन से अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर एमली मरने से पहले उसे बताती है कि वो डॉक्टर से प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनने के बाद उसकी असिस्टेंट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो डॉक्टर को पाने के चक्कर में एमली और उसके बच्चे का जान ले ली, इसीलिए वो अब एमली को बचाने की कोशिश करती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें उसी अंधी लेडी को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जो डॉक्टर और एमली की बेटी हूँ, जिसके बाद वो रिपोर्टर उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता। यहाँ पर वो बताता है कि डॉक्टर की मौत के बाद भी तीन और लोगों की मौत हुई थी और मुझे लगता है कि एमली आज भी जिंदा होगी और वो लोगों को डॉक्टर की तरह मारकर खुद को आज तक जिंदा रखी होगी। तब ऐसा सुनने के बाद वो लेडी अपनी आंखों से चश्मे को उतार लेती है और यहाँ पर रिपोर्टर को बताती है कि वही एमली है, क्योंकि यहाँ पर वो बताती है कि डॉक्टर सेंटीमेंट हो जाने के बाद वो भी उसी बीमारी से ग्रसित हो गई थी जिससे वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड था, और इसी वजह से उसके गर्भ से वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। तब से यहाँ पर एमली खुद को इंजेक्शन देती रहती है और आज तक वो उसी डॉक्टर के फंडे से जीती आ रही थी, और ऐसा सुनने के बाद वो रिपोर्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हमें डॉक्टर की असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि दरअसल एमली और डॉक्टर की असिस्टेंट ही खुद को जीवित रहने के लिए लोगों को मार रहे होते हैं। इसके बाद वो औरत रिपोर्टर की बॉडी में एक इंजेक्शन लगाती है और हम उसी लाइब्रेरी में उस रिपोर्टर को देखते हैं जो कि ये सब कहानियां पढ़ रहा होता है, और अब वो इस कहानी के दूसरे पार्ट को भी पढ़ चुका था और अब वो तीसरा और अंतिम पार्ट पढ़ने वाला था। इसके तीसरे चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाले होते हैं जिनका नाम पोल और सारा होता है, और यहाँ पर ये दोनों एक कसाई का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उस कसाई ने कोई क्राइम किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा पोल से किसी बात पर बहस कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर सारा पोल से प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी इन दोनों में ये बहस चल ही रही होती है तभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और यहाँ पर जब सारा को होश आता है तो वो देखती है कि कोई आदमी उन सबको खींचकर कहीं ले जा रहा है। तब सारा भी उनका पीछा करने लगती है और उसका पीछा करते हुए एक फार्म हाउस तक पहुंच जाती है।
तभी वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे उस फार्म हाउस का ऑनर बताता है और यहां पर वो सारा से ये भी कहता है कि जरूर ये काम उसी कसाई ने किया होगा। तब वो सारा से कहता है कि वो उस कसाई को पकड़ने में उसकी मदद करेगा, इसीलिए सारा उस कसाई को पकड़ने के लिए उसके साथ जाने लगती है। तब फार्म हाउस का ऑनर सारा को अपनी वाइफ से मिलवाता है जो कि अंधी होती है। इसके बाद वो सारा को एक गुफा में लेकर जाता है, तभी अचानक से उस ऑनर की वाइफ सारा पर आग से अटैक कर देती है, जिसके बाद सारा खुद को एक रहस्यमयी गड्ढे में पाती है। यहाँ पर वो पोल को भी देखती है जिसकी बॉडी पूरी तरीके से अंदर से खोखली हो चुकी थी, जैसे कि उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को किसी ने खा लिया। यहाँ पर सारा कुछ मॉन्स्टर को भी देखती है जो कि सारा पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद फार्म हाउस का ऑनर और उसकी वाइफ सारा के पास आते हैं और यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि वो दोनों ही वो कसाई है जिनका वो पीछा कर रहे थे और वो कई सालों से लोगों को मार रहे हैं और उनकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं और उसे निकाल कर वो उन मॉन्स्टर्स को खिलाते हैं और ऐसा करने से वो काफी लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। इसके बाद अब वो सारा के ऑर्गन्स को काटने लगते हैं, जिसके बाद सारा अचानक से एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक डॉक्टर के रूप में होते हैं और पॉल की बॉडी से उसकी गर्दन को अलग कर रहे होते हैं। इसके बाद ये फिर उसी जगह पर आ जाती है जहां पर ये पहले थी और यहां पर ये दोनों मिलकर उसके बच्चे को उसके पेट से निकाल कर उस मॉन्स्टर को खिला देते हैं, जिसके बाद अब मॉन्स्टर सारा की बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसके ऑर्गन्स को खाने लगता है। अब इसके बाद हम फिर से उसी राइटर को देखते हैं जिसने इस किताब के तीन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तभी उस लाइब्रेरी का मॉन्क राइटर के पास आता है और यहाँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि उस राइटर ने बिना उसकी परमिशन के उस किताब को पढ़ा और अब उससे उस लाइब्रेरी की चाबियां भी खो चुकी हैं। लेकिन तभी इतने में लाइब्रेरी के नीचे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल कर राइटर पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी राइटर एक तलवार से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लाइब्रेरी का मॉन्क भी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो भी राइटर पर अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर राइटर कैसे भी करके उस मॉन्स्टर के जबड़े को चीर देता है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर की भी यहीं पर मौत हो जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।